जय हिंद डियर। तो चलिए बताते हैं कि श्यामा प्रसाद का प्रोविजन मेरिट लिस्ट आप लोग कैसे देखिएगा। उससे पहले बता दे कि प्रोविजन मेरिट लिस्ट क्या है। सर, प्रोविजन मेरिट लिस्ट केवल ये है कि आप जिस कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए हैं, कॉलेज ये बता रहा है कि आप मेरे कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, और आपको लिस्ट पूरा दे देगा, और साथ में ये भी बताया कि उसके कॉलेज में कितना स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप हुआ। सिर्फ यही होता मतलब प्रोविजन मेरिट लिस्ट का मतलब। प्रोविजन मेरिट लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ये केवल ये है कि आपको ये बता रहा कि आप मेरे कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए हैं, और कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया, कितना जनरल में, कितना SC है, कितना ST है, ये सारा बात को ही हम लोग बोलते हैं प्रोविजन मेरिट लिस्ट। अब कुछ दिन के बाद इसमें से कुछ स्टूडेंट लोगों का करेगा मैंने फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगा। अब वो लोग को एक टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसके बीच में लोग को एडमिशन लेना, ठीक है। तो सिर्फ प्रोविजन मेरिट लिस्ट में आपको ये देख लेना कि आपका नाम है कि नहीं। अगर आप एप्लीकेशन भरे हैं तो नाम होगा, अगर गलत हो गया तो गया, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सा कॉलेज का कर रहा कलेक्शन का दे रहा, तो आप जाके करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आते श्यामा प्रसाद का कैसे करिएगा, आप श्यामा प्रसाद क्लिक करिएगा। देखिए श्यामा प्रसाद कॉलेज आपका कहा होगा, ओपन हो जाएगा। श्यामा प्रसाद में क्लिक करिएगा, उसके वेबसाइट में आ जाइएगा। जैसे वेबसाइट में आइएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा। स्क्रॉल करने पर देखो बीच में यहाँ लिखा हुआ ऑनलाइन UGC एडमिशन, आप इसको क्लिक करिएगा। करने पर फिर ये देखिए यहाँ मेरिट लिस्ट आया हुआ है, तो मेरिट लिस्ट में क्लिक करिएगा। मेरिट लिस्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए प्रोविजन मेरिट लिस्ट आया हुआ है। सर, ये प्रोविजन मेरिट लिस्ट बार बता रहे हैं, ये केवल आपको ये बता रहा है कि आप मेरे कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए हैं, आपका इतना नंबर है ना, टोटल कितना स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए ये भी बता रहा है। तो देखो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे करके देखो, ये 3 ईयर्स BCom है कि नहीं। वैसे आपको जो BA का स्टूडेंट BA का भरेगा, BSc का स्टूडेंट BSc का भरेगा, वैसे जो 4 ईयर्स BCom ऑनर्स भरा है वो यहाँ है आके। सर, ये जो है 2233, सर ये UR माने जनरल स्टूडेंट के साथ साथ सब स्टूडेंट का यहाँ देखा जा रहा है, सबका नाम डाला है। सिविल कास्ट कितना स्टूडेंट यहाँ भरा है, 167। सर, ये ST है 7 है। सर, ये का OBC है 35 स्टूडेंट है। 52 कितना है OBC B का, ये का EWS का है, और ये का है, ये आपका है हाँ PWD का, एक है EWS PWD को यहाँ लिखा हुआ है। तो आप जिस कैटेगरी में उस कैटेगरी में क्लिक करके देख लेना तुम्हारा नाम है कि नहीं, ओके। जैसे मान लो अगर हम जा रहे हैं BCom 4 ईयर्स का सेमेस्टर में, हम मान लो सर SC है, तो हम SC में क्लिक करें, ST में, अगर UR में तो UR में क्लिक करोगे। मान लो हम SC में क्लिक किए सिविल कास्ट में, तो सर सारा सिविल कास्ट का दिखाएगा, बट UR में क्लिक करने से सारा का नाम दिखाता हूँ, SC OBC सब का दिखा रहा, ठीक है। अब इसमें देख लेना आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपका नाम है कि नहीं, नहीं तो देखो सर यहाँ सर्च का ऑप्शन है, इसमें नाम डालोगे तो अपने आप दिखा देगा। समझ में आया? तो सर ये रहा किसका, श्यामा प्रसाद का प्रोविजन मेरिट लिस्ट। बट बार बता रहे कि प्रोविजन मेरिट लिस्ट का मतलब नहीं है कि आपका ये एडमिशन लिस्ट है। सर, इसके बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेगा। टॉप जिसका स्टूडेंट होगा उसमें से कुछ स्टूडेंट का, जितना लोग को कैपेसिटी होगा उस दिन एडमिशन लेने के लिए, उतना स्टूडेंट का नाम डालेगा। वो लोग को टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में लोग जाके पहुंचेगा, एडमिशन लेगा, फॉर्म फिलअप करेगा, तो होगा नहीं तो उसका नाम कट के फिर नेक्स्ट लिस्ट निकलेगा। इस तरह का मैक्सिमम कॉलेज का सबका मेरिट लिस्ट सब 1-2 दिन में आना चालू होगा, ओके। तो आप लोग भी आराम से देख लीजिए, आप लोग इस कॉलेज में फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपका नाम है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए यहीं तक। आज के लिए जय हिंद।